साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं भुला पाएगा। मूसेवाला के फैंस और परिवार के लोग इस दर्दनाक मौत का हिसाब चाहते हैं, दोषियों को सजा दिलवाना चाहते हैं। अब मूसेवाला के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी जिसने ली है उसके बारे में शायद आप सबको पता ही है, और अब उसी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो खुलासे हुए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। सिद्धू मूसेवाला केस में अब सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी शामिल हो गया है। जी हाँ, जिस लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाले का गुनहगार बताया जा रहा है वो अभी तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हिसाब बराबर करने वाला है और उसके निशाने पर बॉलीवुड का सबसे बड़ा आदमी है। जी हाँ, सलमान खान को मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई का अगला शिकार करण जौहर है, और करण जौहर को निपटाने की पूरी प्लानिंग भी कर रखी है। और तो और, खबर तो ये भी है कि इस गैंग के निशाने पर रिया चक्रवर्ती भी है। तो आखिर क्यों लॉरेंस करण जौहर और रिया चक्रवर्ती का शिकार करना चाहता है? आखिर बिश्नोई गैंग का सुशांत सिंह राजपूत से क्या कनेक्शन है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिली धमकी की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। इस केस में पुलिस सख्ती से जांच कर रही है जिसमें कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले बिश्नोई गैंग के निशाने पर फिल्म मेकर करण जौहर है। बिश्नोई गैंग करण जौहर के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका है, और ये खुलासा सिद्धू मूसेवाला केस में पकड़े गए आरोपी सौरव कांबले उर्फ महाकाल ने पुणे पुलिस की पूछताछ में किया है। हैरानी की बात यह है कि करण जौहर को निशाने पर लेने की वजह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि बिश्नोई गैंग ने एक हिट लिस्ट बना रखी है जिसमें सलमान खान की तरह करण जौहर का नाम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट का खुलासा सलमान खान थ्रेट केस में पुणे पुलिस की पूछताछ में खुद सौरव उर्फ महाकाल ने किया है। सौरव ने पुणे पुलिस को बताया कि हमारी पूरी गैंग को लगता है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कहीं ना कहीं फिल्म मेकर करण जौहर जिम्मेदार हैं। करण जौहर ने ही सुशांत को उस हालात में पहुंचाया। हम पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। करण जौहर ने किस तरह सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित किया हमें और हमारी गैंग को सब पता है, इसीलिए हम फिल्म मेकर करण जौहर को निपटाने की तैयारी में हैं। या हम उससे इतनी मोटी रकम वसूल करेंगे जो कि उसको सड़क पर लाकर रख दे। रिपोर्ट्स की माने तो महाकाल ने पुणे पुलिस को बताया कि जब 14 जून 2020 को हमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर मिली थी तब से ही हम लगातार उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते थे जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट्स की माने तो महाकाल ने बताया सुशांत हमारी बिरादरी का आदमी था। पद्मावत फिल्म के दौरान हमने सुशांत को बेहद करीब से जाना। वो दिल का बड़ा अच्छा था, उसमें सच बोलने का साहस था। उसकी अचानक हुई मौत ने हमें हिलाकर रख दिया और हमने भी कसम खाई है कि उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। सूत्रों के मुताबिक गैंग के निशाने पर करण जौहर ही नहीं बल्कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भी है। जी हाँ, वो ही रिया चक्रवर्ती जो कि खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड कहती रही है। रिपोर्ट्स की माने तो गैंग की प्लानिंग है कि करण जौहर और रिया चक्रवर्ती का हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा ही किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने घर में सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे। उनकी मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। 2 साल बाद भी सीबीआई के हाथ खाली है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सुशांत की मौत के बाद करण जौहर सबसे ज्यादा लोगों के निशाने पर रहे थे। ऐसे में कयास भी लगाए जाने लगे थे कि बॉलीवुड में गुटबाजी और नेपोटिज्म की वजह से सुशांत परेशान हो गए थे। कहा तो ये भी गया था कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को किसी स्टार किड्स की वजह से बेहद परेशान किया था। ऐसे में अभिनेता ने इन सब से परेशान होकर खुद को खत्म कर लिया था। हालांकि सीबीआई जांच में अभी तक इस तरह का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है और पूरी जांच सीबीआई पर अटकी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो बिश्नोई गैंग के इस खुलासे के बाद बॉलीवुड में काफी हलचल मच गई है और पुणे पुलिस भी मुंबई पुलिस को इन सब की सूचना दे रही है।
बॉलीवुड में पहले ही सलमान खान के पिता को मिले धमकी पत्र को लेकर मुंबई और पुणे की पुलिस काफी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और काफी अलर्ट भी हो चुकी है और सलमान खान की तो सिक्योरिटी तक बढ़ा दी गई थी। ऐसे में अब करण जौहर और रिया चक्रवर्ती को लेकर जो प्लानिंग सामने आई है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 साल बीत गए हैं और आज भी करण जौहर और रिया चक्रवर्ती लोगों के निशाने पर रहते हैं। अब सुशांत के फैंस और समर्थकों की ट्रोलिंग तक तो ठीक है, मगर विश्नोई गैंग की तरफ से हुए इस खुलासे ने तो बॉलीवुड को दहला कर रख दिया है, क्योंकि करण जौहर को बॉलीवुड का सबसे सफल और सबसे बड़ा फिल्म मेकर माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि करण जौहर के इशारे पर पूरा बॉलीवुड चलता है। ऐसे में अगर इस खुलासे में रत्ती भर भी सच्चाई है तो वाकई में ये बात फिल्म इंडस्ट्री को बेचैन करने के लिए काफी है। तो आपको क्या लगता है, विश्नोई गैंग के इस गुर्गे की बातों में कितना दम है? क्या ये सिर्फ धमकी मात्र है या वाकई में करण जौहर विश्नोई गैंग का अगला शिकार बन सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो आप सभी को पता है कि आयान मुखर्जी की फिल्म आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में है और अपनी ही फिल्म के लीड एक्टर पर डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने ऐसा आरोप लगा दिया है जो कि बॉलीवुड की असलियत बताने के लिए काफी है। दरअसल इन दिनों आयान मुखर्जी अपने फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। आयान ने इस फिल्म पर काफी मेहनत की है, वो साल 2014 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अब साल 2022 में ये फिल्म रिलीज होगी, यानी कि करीब 8 साल की मेहनत के बाद आयान मुखर्जी की ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। अब फिल्म कितना चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के जो हालात है वो बेहद दयनीय हो चुके हैं। बड़ी बड़ी फिल्में डिजास्टर साबित हो रही है, तो ऐसे मुखर्जी के मन में भी कई तरह के डर हैं और इस फिल्म को बनाने के दौरान भी उनके मन में कई बार खुद को खत्म कर लेने के ख्याल आए थे। तो आयान ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस फिल्म के पीछे अपने 8 साल दिए हैं। सालों की मेहनत के अलावा अपना सब कुछ आयान ने इस फिल्म के लिए दांव पर लगा दिया। आयान मुखर्जी का कहना है कि ये फिल्म सिर्फ 2 साल में तैयार हो जाती, मगर रणबीर कपूर की वजह से फिल्म को पूरा करने में 8 साल लग गए। आयान ने खुलकर बताया कि रणबीर ने मेरी फिल्म को पहले साइन किया था और मैंने रणबीर के भरोसे अपनी फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर दिया था, मगर थोड़ी सी शूटिंग और फोटोशूट के बाद रणबीर ने संजू फिल्म को साइन कर लिया और रणबीर ने संजू फिल्म को ही प्राथमिकता दी। आयान ने बताया कि साल 2014 से 2018 तक मैंने रणबीर के इंतजार में निकाल दिए। पूरे 4 साल रणबीर ने मुझे सिर्फ इंतजार करवाया। हर कोई मुझसे मेरी फिल्म के बारे में पूछता, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मेरे फैसले के खिलाफ हो गया। मेरे कई दोस्त और बॉलीवुड के कई लोग ताना मारने लगे थे क्योंकि फिल्म को 4 साल हो चुके थे मगर फिल्म का एक हिस्सा तक शूट नहीं हो पाया था। आयान ने कहा, मैंने ब्रह्मास्त्र को बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैं ना आगे बढ़ पा रहा था और ना ही पीछे आ सकता था। मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून खत्म हो चुका था। आयान की माने तो रणबीर कपूर संजू फिल्म के लिए इतना ज्यादा डिवोटेड हो चुके थे कि वो आयान के फोन का जवाब भी एक एक महीने तक नहीं दे रहे थे। आयान ने बताया कि मुझे कई बार ख्याल आता था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा सब कुछ इस फिल्म के चक्कर में बर्बाद हो चुका है और मुझे लगता था कि अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसी स्थिति में आ गया था कि मुझे जीने से ज्यादा मरना आसान लगने लगा था और वाकई में ये सब सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की वजह से हुआ। आयान ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो रणबीर कपूर ही इस बात के जिम्मेदार होते, क्योंकि एक्टर के तौर पर उसने फिल्म मेरी पहले साइन की मगर प्राथमिकता में किसी और प्रोजेक्ट को रखा, जो कि एक डायरेक्टर के तौर पर मेरे लिए सबसे बुरा दौर रहा।